हेलो गाइस, चलिए बनाते हैं आज भौरी चोखा। ये हरा मिर्च, हरी मिर्ची और ये लहसुन, कोथमीर, बैंगन, टमाटर, आलू, प्याज, ये थोड़ा सा सोवे की भाजी है, जिसको पसंद है वो डाल सकता है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे। वैसे सोवे की भाजी डाली जाती है, हमने एक बार आलू थोड़ा सा उबलने के लिए रख दिया था एक सीटी के लिए। अब सब बैंगन और टमाटर डाल के एक सीटी और लगा देंगे। ये हमारी कढ़ाई चढ़ गई थी, डाल दिए तेल, उसमें डाल दिए प्याज, प्याज को अच्छी लाल करेंगे। ये जो हमने मसाला दिखाया था वो मसाला डाल दिए, मिर्ची और हरा लहसुन बस। अब इसको खूब अच्छा भून लेंगे। भूनने के बाद ये हमारा टमाटर और बैंगन जो हमने पहले से उबाल के रख लिया था, इसको डाल के खूब अच्छा चला देंगे। इसको खूब अच्छा भूनना पड़ता है। इसमें डाल दिया आलू, आलू को भी खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें जाएगा नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, जैसा जितना ज़्यादा आप कम ज़्यादा खाते हैं। अब इसको खूब चला के भून लेंगे। ये जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही अच्छा होता है। अब इसमें डालनी है कोथमीर और सोवा। सोवा ज़रूर डालें, क्योंकि सोवा से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और सोवा खुशबू के साथ साथ खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। सब डालने के बाद मिक्स कर लिए। अब इसमें डाले हैं खटाई, तो हमारे वहाँ हरा मिर्चा होता है वो डाल दिया जाता है। आप कोई भी खटाई डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। यह हमारी भौरी की तैयारी हो रही। आधा आटा आधा मैदा दोनों मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ी अजवाइन, चला गया थोड़ा सा तेल। पहले इसको खूब अच्छा आटा मसल लेंगे और फिर हाथ में लेके इसका बॉल बनाएंगे। अगर बॉल बन जाएगा तो समझो अच्छा आटा हो गया है, और ये खूब कड़ा भौरी का आटा गूंदा जाएगा। जितना कड़ा हो सकता है भौरी का आटा गूंदे, क्योंकि कड़ा आटा रहता है तो भौरी बहुत अच्छी होती है। ये हमने बना लिया सब भौरी एक साथ। अब एक साथ बनाने के बाद यहाँ हम तेल चढ़ाती हैं। अब एक एक भौरी डाल देंगे। ये हमने फ्राई भौरी बना रहे, जिसको बनाना है कुकर में भी बना सकता है, ओवन में भी बना सकता है, लेकिन फ्राई भी बहुत अच्छी होती है। इसमें तेल बिल्कुल नहीं रहेगा, फ्राई करने के बाद सारा तेल निकल जाता है। ये हमारी भौरी तैयार, और देखिए कितनी अच्छी फटी फटी भौरी बनी है। यह हमारा भौरी चोखा तैयार। आप ऐसे बना के देखिए, बहुत अच्छी डिश बनती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप कभी बना के देखिए मेरी तरह। जिसको जिसको अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब।